नमस्कार, ये है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। नजर डालेंगे अभी तक की कुछ चुनिंदा खबरों पर। अरेस्ट करने आई पुलिस के डर से युवक ने निगला जहर, गई जान। नेशनल हाईवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त, ड्राइवर सुरक्षित। वेटरिनरी इंस्पेक्टर किया जाए वेटरिनरी फार्मासिस्ट का पदनाम, महासंघ ने उठाई मांग। धरने पर बैठे तीन पार्षद, नगर परिषद में महिलाओं के शोषण का आरोप। मंडी नगर निगम के लिए 15 करोड़ मंजूर, शहर के विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च होगी राशि। और अब समाचार विस्तार से। कांगड़ा जिला के गरली के गांव कनोल में भिन्न भिन्न धाराओं सहित अरेस्ट करने आई पंजाब पुलिस के डर से 30 वर्षीय युवक ने जहर निगल लिया, इससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान वीरेंद्र कुमार पुत्र कश्मीर सिंह निवासी गुरनबाड़ वार्ड नंबर 4 के रूप में हुई है, जो कि पिछले 4 महीने से गांव कनोल में किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी सहित रह रहा था। कहा जा रहा है पंजाब में वीरेंद्र कुमार पर 363-366 के धाराओं के तहत केस चला हुआ था, जिस सिलसिले में पंजाब पुलिस उसे ढूंढने आई थी। उन्हें तो कुछ भी दिखा नहीं, बोले मेरी लाड़ के ले गए ना, मां पे हल्ला करने में जब ले कर लड़ा। अच्छा, उन्हें ना डराया कर दुआ खा ले। अच्छा, जो भी जिम्मेवार पंजाब पुलिस वाला ना, मेरा डाका मारे ने बच्चे की शोर साफ सही था, बस मेरे इंसान सही था, मैंने तो मार लड़ा जाकर मेरा साफ मैंने। हां जी, बताएं आप क्या हुआ? कल मेरे घर में पुलिस वाले आए थे ना। हाँ जी, कहाँ से आए थे पुलिस वाले? पंजाब से। अच्छा, कितने आदमी थे? 3 थे शायद। अच्छा ठीक है, फिर वो मुझे बोल रहे थे कि तैयार हो जा। मैंने बोला था कि मेरे घर वाले कौन है, तो फिर मैं चलूंगी आप लोगों के साथ, पर इन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की है। फिर आपके पति कहाँ थे उस टाइम? परवाणु शिमला नेशनल हाईवे 5 पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, ऐसा ही वाक्य एक बार फिर आज सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच पेश आया है, जिसमें एक गाड़ी जाबली के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार व्यक्ति को नींद की झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ, परंतु व्यक्ति सुरक्षित है। धर्मपुर थाना प्रभारी राकेश रॉय ने बताया, कार शिमला की तरफ से चंडीगढ़ जा रही थी, तभी जाबली के समीप यह हादसा हुआ। गाड़ी में एक व्यक्ति सवार था जो सुरक्षित है। प्रदेश के पशुपालन विभाग में पड़ोसी राज्य पंजाब की तर्ज पर वेटरिनरी फार्मासिस्ट का पदनाम वेटरिनरी इंस्पेक्टर किए जाने की मांग रखी गई है। पशुपालन विभाग के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला सोलन के अध्यक्ष और प्रदेश महासचिव जेके ठाकुर ने करसोग में कहा, यह मांग सरकार से तथा विभाग से लगातार रखी हुई है। पशुपालन सहायक का पदनाम सीनियर वेटरिनरी फार्मासिस्ट किया जाए, जबकि चीफ फार्मासिस्ट का पदनाम चीफ वेटरिनरी फार्मासिस्ट करने की मांग को तथ्यों सहित रखा गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत पशु सहायक जो 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, उन्हें अनुबंध की श्रेणी में लिया जाए तथा सरकार द्वारा उनका मानदेय भी बढ़ाने पर गौर किया जाए। पशुपालन विभाग में हाल ही में अभी 221 वेटरिनरी फार्मासिस्टों को बैच वाइज पदोन्नति अनुबंध दिया गया है और 288 पोस्टों को जो है कमीशन के लिए दिया गया है। इसके लिए हम विशेषकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर जी का आभार व्यक्त करते हैं। किंतु अभी कुछ पंचायत पशु चिकित्सा सहायक जिनको 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनको भी अनुबंध की महासंघ मांग करता है। और अभी प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने सभी श्रेणियों के मानदेय में बढ़ोतरी की है, परंतु पंचायत पशु चिकित्सा सहायक का एक वर्ग है जो 350 के आसपास है, इनके मानदेय जो है अभी 7,000 है, तो इनका मानदेय जो है महासंघ भी जो है वो 12,000 करने का आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता है कि इनके मानदेय में भी बढ़ोतरी की जाए। मैं दिव्य हिमाचल करसोग का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से हमारी मांगे है जो मुख्यमंत्री तक, पशुपालन मंत्री तक और सरकार तक पहुंचे,
यही आपसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उपमंडल अधिकारी नागरिक जोगिंदर नगर के कार्यालय के बाहर पार्षद अजय धरवाल, ममता कपूर व शीला देवी ने नगर परिषद जोगिंदर नगर में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के अंतर्गत महिलाओं के हो रहे शोषण को लेकर धरना दिया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद महिलाओं के सिर पर मैला उठवाने, गंदी नालियों को बिना हैंड ग्लव्स मास्क प्रदान किए साफ करवा रही है। वहीं उनके वार्ड में ही रोजगार न देकर महिलाओं को दूसरे वार्ड में भेजा जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रतिदिन हाजिरी को पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना जरूरी बताया गया है, लेकिन नगर परिषद द्वारा आज एक महीना बीत जाने के बाद भी इनकी एक दिन की हाजिरी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई है। नगर परिषद में एक महीने से शुरू हुआ है और ये कार्य जो है हमने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इसलिए किया हुआ है। श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा ये कार्य शुरू किया गया था, उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये कार्य किया था कि महिलाएं जो गरीब हैं वो सही तरह से रोजगार पाएं और अपने परिवार को ठीक चलाएं। और इधर नगर परिषद में इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये हमारी जो चेयरपर्सन जी हैं वो भी महिलाओं के साथ गंदा दुर्व्यवहार कर रही हैं और जगह जगह जाकर उनको धमका रही हैं, कभी इधर कभी उधर शिफ्ट कर रही हैं, अपनी मर्जी चला रही हैं। ये जो है ये कार्य हमें ऐसा कार्य ये करेंगी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा और महिलाओं को प्रताड़ित करने का खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी नगर निगम के लिए 15 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसकी स्वीकृति प्रदान हो चुकी है। 17 अगस्त को अर्बन डायरेक्टर की तरफ से नगर निगम मंडी के कमिश्नर को पत्र के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा 15 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी कर दी गई है। यह 15 करोड़ रुपए की राशि मंडी शहर के विभिन्न विकास कार्यों के ऊपर खर्च की जाएगी। नमस्कार, पिछले कल हमें अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से एक लेटर आया है जिसमें हमें जो सेम अनाउंसमेंट थी 15 करोड़ की उसकी सैंक्शन मिल गई है और इसमें 3 करोड़ जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नियर पीपल ट्री के लिए सेंक्शन हुआ है। इसके अलावा जोनल हॉस्पिटल की पार्किंग और रेड क्रॉस बिल्डिंग के लिए 3 करोड़ सेंक्शन हुआ है और 2 करोड़ जो है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 रेस्टोरेंट्स विद अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन ऑन द रूफ ऑफ द शॉप इनसाइड लाइब्रेरी एंड डीसी ऑफिस के लिए सेंक्शन हुआ है। इसके अलावा मॉडर्न गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारी बिंद्रावन में जो डंपिंग साइट है उसके लिए 3 करोड़ सेंक्शन हुआ है। साथ में जो हमारे जो न्यूली मर्ज्ड एरियाज हैं उनकी जो सड़कों के लिए जो है रोड की इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए जो है वो 4 करोड़ रुपये सेंक्शन हुआ है और जो ये टोटल है वो 15 करोड़ रुपये है। तो यूसीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट करी थी उसकी हमें सेंक्शन आ गई है और हम इसके लिए हम सीएम साहब का धन्यवाद करते हैं, साथ ही हमारे अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये हमें सेंक्शन दी और हम अब चाहेंगे कि जल्द से जल्द हम जो है ये अपना काम शुरू करें ताकि जो भी हमारे जो प्रपोजल्स हैं वो हम जल्द से जल्द उनमें काम करना शुरू करते हैं। थैंक यू। आज दोपहर हिमाचल में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।